कैसे मारा सकता है, पहले हरा था ना, हो सके ऊपर होके चला रहा है, ऊपर चला रहा होगा रोके किस पे, छत पर मजा के लिए, मजा में आदमी ऊपर भी चलता है। वहाँ कैसे लगेगा है? राहुल उपाध्याय, क्या हुआ यार? बाइक से हम आ रहे थे अपने गाँव के, दो लोग बाइक से आए हैं जो हमारे गांव के हैं, एक लोग गांव के थे और एक लोग को नहीं पहचानते। उसके बाद बाइक ओवरटेक किया दो बार बाइक ओवरटेक करने के बाद सामने एक लोग बाइक लेके खड़े थे, दोनों लोग मिलकर उधर पीछे से ये लोग इधर से फायरिंग करना शुरू कर दिए, बाइक हमारी गिर गई। उसके बाद हम भागने लगे, उसमें दो लोग मेरे गाँव के हैं, गोविंद साहब के हैं, वो बैगनार चलाते हैं, वो थे। क्या नाम है उन लोगों का? एक सुरेश वर्मा है मेरे गांव के और एक सोनू नाम है, गौर या कहाँ रोहन है, पूर्व के हैं, और जो गाड़ी चलाते हैं वो लतीफ गोविंद साहब। अंबेडकर नगर जिले में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिसिंग जो है वो फेल होती नजर आ रही है। अभी एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर बीएसपी के नेता की हत्या हुई थी और उनके ड्राइवर को भी गोली मारी गई थी जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद एक और घटना घटी, गोली मारने की वजह से एक आदमी बेहद घायल हुआ और उसको जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया, वो फैजाबाद में भर्ती है। अभी आज यहाँ पर एक और घटना हुई है जिसमें राहुल उपाध्याय नाम के एक बीडीसी सदस्य को जहांगीरगंज में बदमाशों ने गोली मार दी है। हालांकि अभी यहां पर जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अब ये लगातार ताबड़तोड़ एक हफ्ते के अंदर ये घटनाएं ये साफ तौर पर अब जाहिर करने लगी है कि जो पुलिसिंग है और जो बदमाश हैं उसमें कोई बदमाशों में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वो लगातार घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पंकज मिश्रा, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।